रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आए दिन कुछ ना कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से 14 जून की अगर बात करें तो दोपहर में जैसे ही ये खबर मीडिया में सामने आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया, वैसे ही सुशांत सिंह के परिवार और फैंस में लगातार ये बात उठने लगी कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि सुशांत ने इस तरह का कदम उठाया। उसके बाद जो है जांच आगे की ओर चलती रही और जिस तरह से आए दिन इसमें खुलासे होते रहे उसको देख करके वाकई में कहना ये गलत नहीं होगा कि ये केस जो है एक हाई प्रोफाइल केस बन करके रह गया है। महीनों जो है बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात भी इस दौरान उठती रही है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे इसके घेरे में आते रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आत्महत्या के बाद जो है नेपोटिज्म का रुख इस केस ने लिया और उसके बाद रिया पर भी कई उंगलियां उठाई गई, आरोप लगाए गए उन पर कि क्या रिया ने ही सुशांत के आत्महत्या या फिर हत्या के पीछे वो रिया रही है या नहीं रही है, इस पर भी एक लंबी बहस चली और महीनों तक जो है जांच चलता रहा। पहले मुंबई पुलिस जो है इसकी जांच करती रही और लगातार मुंबई पुलिस पर भी इस पर आरोप लगते रहे कि इस केस को लेकर के मुंबई पुलिस लापरवाही बरतती रही और उसके ठीक बाद बिहार पुलिस भी सक्रिय हुई जब सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया बिहार पुलिस में, तो बिहार पुलिस भी सक्रिय हुई। दोनों ही राज्यों की पुलिस ने इसमें लगातार जांच की लेकिन लापरवाही की बात लगातार इस पूरे केस में देखी गई, जिसके बाद सुशांत के फैंस में ये लगातार जो है पुरजोर तरीके से आवाज उठने लगी कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और एक लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो है ये इजाजत दे दी गई कि इस पूरे केस को जो है अब सीबीआई हैंडल करेगी। इसी के बाबत आपको बता दें कि पिछले 6 दिनों से लगातार सीबीआई जांच कर रही है, उन एक एक पहलुओं को बारीकी से जो है देख रही है, सुशांत के परिजनों से लगातार पूछताछ चल रही है। सिद्धार्थ पिठानी वो नाम है जो जिससे लगातार सीबीआई जो है पूछताछ कर रही है। सिद्धार्थ पिठानी वही है जो सुशांत के घर पर रहा करते थे, उनके मित्र थे, वो बहुत ज्यादा करीबी थे, इसलिए उनसे जो है लगातार पूछताछ की जा रही है। नीरज जो कि सुशांत के यहाँ कुक का काम करता था उससे भी लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ के बीच में लगातार ये बात भी सामने आ रही कि क्या रिया को समन सीबीआई की तरफ से भेजा जाएगा और इसका भी इंतजार किया जा रहा है कि आखिर रिया से पूछताछ कब की जाएगी। अगर सूत्रों की माने तो लगातार ये बात सामने आ रही कि सीबीआई पहले अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट जो है तैयार कर रही है। जो परिजन है जो उस वक्त जिस वक्त सुशांत की ये घटना हुई थी उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे उनसे जो है पूछताछ करके एक होमवर्क कह सकते हैं कि होमवर्क जो है सीबीआई की तरफ से की जा रही है। सीबीआई की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि ये जब सारी पूछताछ होगी और एक सवालों की लंबी फहरिस्त जो है तैयार होगी उसके बाद रिया को समन भेजा जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो लगातार जो है इसमें अपडेट्स आ रहे हैं। अगर हाल ही की बात करें तो नेपोटिज्म के बाद ये पूरा केस जो है इसने रुख ले लिया ड्रग्स एंगल का। जी हाँ, अब इसमें ड्रग्स के कनेक्शन की भी बात लगातार आ रही है। जिस तरह से रिया की जो है व्हाट्सएप चैट को खंगाला गया था और उसमें जो है कहीं ना कहीं उस चैट से ये बात सामने आ रही है कि और शक भी किया जा रहा है कि क्या रिया ड्रग्स के सप्लायर्स के साथ जुड़ी हुई थी, क्या वो ड्रग्स से किसी तरीके से रिलेट थी, क्या सुशांत जो है ड्रग्स लिया करते थे, क्योंकि जिस तरह से बात सामने आ रही है उनके पूर्व जो जो साथी रहे उनसे जब पूछताछ की जा रही है तो ये जो है निकल करके सामने आ रहा है, कुछ का ये बयान आ रहा है कि सुशांत जो है ड्रग्स लिया करते थे। तो इन तमाम बातों का जो खुलासा होना अभी बाकी है, सीबीआई इस पर जांच कर रही है। फिलहाल इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा कि क्या वाकई में सुशांत ड्रग्स लिया करते थे या नहीं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जो हैं बहुत सारी दुविधाएं जो है इस पूरी घटना को लेकर के है, सुशांत केस को लेकर के है कि क्या उन्होंने सच में आत्महत्या की थी या हत्या की थी। इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और हर एक पहलुओं के बारे में जानकारी से जो है विस्तार से जानकारी लेंगे अजय जी से। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से अगर सुशांत के केस को हम जिस तरह से देख रहे हैं 14 जून से लेकर के अब तक में, अब ये जो केस है एक ड्रग एंगल तक पहुंच गया। पहले हुआ कि आत्महत्या है, उसके बाद ये हुई कि क्या हत्या तो नहीं की गई है सुशांत की, फिर उसके बाद नेपोटिज्म की बात चली बॉलीवुड के गलियारों में, इसके लिए बहुत सुर्खियां भी रहीं, उसके बाद अब ये ड्रग एंगल, क्या लगता है आपको अगर इस पूरे केस को देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए पिछले 2 महीने में लगभग जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको याद होगा समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में बहुत सारे चीज़ें निकल के बाहर आई थी, बहुत सारे रत्न निकल कर आए, सब कुछ निकल कर आया, जहर भी निकला। ऐसे ही हम बॉलीवुड को मत रहे तो हमें सबसे पहले नेपोटिज्म सामने दिखाई दिया, नेपोटिज्म से के ऊपर बहस चली। उसके बाद जो है फिर उसके अंदर ईडी का पैसों का गोलमाल हमें दिखाई दिया, जिसे हम कहते हैं हवाला का पैसा या पैसों का ब्लैक मनी या वाइट मनी, जो पूरा खेल होता है वो उसके अंदर हमें दिखाई दिया, जिसकी वजह से ईडी को बीच में आना पड़ा। ठीक, उसके बाद जो है ये पूरा मामला बदल गया किसके अंदर, ड्रग्स के अंदर जाकर, तो वहाँ पर अब हमें जो है नार्कोटिक ड्रग्स डिपार्टमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो गया। और तो ये बॉलीवुड जो है वो नेपोटिज्म, ड्रग्स और पैसे का जो खेल है उसके आसपास घूमता है, ये वहाँ पर हमें ये दिखाई देता है। तो हमने नेपोटिज्म पे हमने पहले खूब बहस की और बहुत अच्छे रिजल्ट सामने निकल कर आए। कंगना रनौत से लेकर अभिजीत जो भट्टाचार्य अच्छे सिंगर हैं उन्होंने अपनी बात रखी, शेखर सुमन ने बात की, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी, निकल कर आया कि वह बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म है, बाहरी और अंदरूनी का वहाँ खेल है। इसमें भी आगे चल के बहस होगी साक्षी। फिर उसके बाद जो है पैसे के बारे में निकल कर आया कि भाई वहाँ 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल होता है, पहले था कि दाऊद का पैसा इस्तेमाल होता है या भाई लोगों का पैसा इस्तेमाल होता है, तो वो भी उस पर भी डिस्कस होगा कि आखिरकार फिल्में इतनी हैवी बजट की बनती है उसका पैसा कहाँ से आता है, ऑन पेपर कितना है और ऑफ द रिकॉर्ड कितना है, जो विदाउट पेपर चलता है उसके ऊपर भी है, तो उस पर भी बहस निकल कर सामने आएगी और जो खेल चलते हैं वहाँ पर वो भी समझ में आएगा। तीसरा, अभी ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ड्रग्स जो है हमने सिर्फ उस रेव पार्टीज के नाम पर सुना था या अपुष्ट सूत्रों से सुना था कि वहाँ पर पार्टीज होती हैं, लोग ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, दवाइयाँ होती हैं, अफीम चरस गांजे का इस्तेमाल होता है या अलग अलग तरह की, वो हमने या तो फिल्मों में देखा या फिर हमने जो है सुना और उसमें कह दिया कि काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये होता है। कई बार रेव पार्टीज में छापे पड़े, वहाँ पकड़े गए हैं, तो इसके लिए जो है अब वो जो है एक तरीके से साक्ष्य के रूप में तब्दील हो गया सिर्फ सुशांत राजपूत की मौत की वजह से। अब उसके ऊपर जो है सभी चीज़ें मथी जा रही हैं, तो वहाँ पर अब हम जो बात कर रहे हैं कि अब सीबीआई की जो जांच चल रही है, क्योंकि पीछे का लगभग सभी को पता है, और एक ऐसा पहला केस है जो कि जो है इतना हाई प्रोफाइल बना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यंग एक स्टार थे और जिस तरीके से लोगों के बीच में उनकी पहचान थी और वो एक इंटरनेशनल स्टार थे, जैसा कि कहते हैं ना कि जमीन से उठकर के फर्श से अर्श तक पहुंचे थे सुशांत और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। देखिए मैं इसको जो है मैं इसको अभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे इस पर लेके नहीं जाऊंगा, वो जमीन से उठकर ऊपर तक पहुंचे इस पर लेके नहीं जाऊंगा। इंटरनेशनल फिगर, इंटरनेशनल स्टार, कुछ फिल्मों ने उनको बहुत पॉपुलरिटी दी, जैसे कि छिछोरे और धोनी की फिल्म ने उनको बनाया कि उनको जब उनकी जांच आगे बढ़ी और लोगों को दिखाई दिया कि पुलिस का जो रवैया है वो उदासीन है, क्योंकि उसमें जो लोग विक्टिम हो सकते थे पुलिस उस पर जो है इंक्वायरी नहीं कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी, 2 शब्द मैंने इस्तेमाल किए साक्षी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, पुलिस सिर्फ जो है इंक्वायरी में थी और पुलिस ने शुरू से मान लिया था कि ये आत्महत्या है, डिप्रेशन के शिकार है, आत्महत्या है, जबकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसकी हत्या भी हो सकती है। तो जब पुलिस जब बायस्ड हो जाए अपनी चीज़ों को लेकर कि ये आत्महत्या ही हो सकती है, तो वहाँ पे सवाल थे कि उन्होंने उसके जो हाउस हेल्प है उससे पूछताछ नहीं की, जो चाबी बनाने वाला है जो बुलाया गया उससे पूछताछ नहीं की, जो उनके दो तथा कथित दोस्त के रूप में नाम निकल कर आया संदीप सिंह उससे पूछताछ नहीं की, और वो जांच अधिकारी जो है उनके टच में था, बाकायदा फ़ोन पर लगातार बात कर रहा था, जिस दिन सुशांत की बॉडी मिली उस दिन भी उसने 1 मिनट 30 सेकंड यानी कि 90 सेकंड उसकी बातचीत हुई लगातार टच में था, पुलिस के DCP के साथ में वो लोग टच में है, और वो संदीप सिंह था जो कि जिसने सुशांत सिंह राजपूत से 1 साल से ज़्यादा बातचीत नहीं की थी, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा दोस्त कह रहा था सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह तो संदीप सिंह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ जी, जी। तो जो कुक है उसके बारे में बातचीत नहीं हुई, जो स्टाफ चेंज हुआ उसके बारे में उससे भी बातचीत नहीं हुई, और जो उसके CA है उससे बातचीत नहीं हुई, पिछले CA से बातचीत नहीं हुई, सिर्फ वहीं की वहीं घूमता रहा कि साहब इन्होंने आत्महत्या कर ली है, पुलिस जो है सिर्फ इंक्वायरी करती रही, इंक्वायरी समझ रहे हैं आपसे पूछताछ आपको क्या लगा क्या लगा, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं तो चीज़ें निकल के बाहर आती हैं और एंगल को बदला नहीं, इसमें मारा जा सकता है।
फिर दूसरी बात जो है कूपर हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, उसके अंदर जो है उन्होंने ये नहीं बताया कि इसकी डेथ कब हुई, टाइम नहीं लिखा है। दूसरी बात, जैसा कि वो हाउस स्टाफ कहता है कि हमने जो है उसको नारियल पानी दिया था, जूस दिया था, ये पिया था, ये खाया था, और वो लेके गए थे, कमरे बंद कर लिया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इसका जिक्र नहीं है कि उनकी बॉडी में क्या मिला, यानी कि वो भी बात उस पर उसने बता दिया, जिसने लोगों का गुस्सा बढ़ाया कि इसके अंदर ऐसा क्यों नहीं है। तीसरी जो बात निकल कर आई कि जब उनके पिता ने जब FIR करानी चाहिए थी, मुंबई पुलिस ने नहीं लिखी थी, उसको सीरियसली नहीं लिया था, वो डेथ में कन्वर्ट हो गया, आनन फानन में जो है पोस्टमार्टम करा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जिन पांचों डॉक्टर ने उनका पोस्टमार्टम किया था वो लंबी छुट्टी पे चले गए, वो गायब हैं, उनके फोन तक स्विच ऑफ हैं। तो कूपर हॉस्पिटल से यदि CBI जहाँ पूछताछ करने की कोशिश कर रही है तो वहाँ पर भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम CBI की बात करें तो इस जाँच को लेकर के क्या लगता है कि CBI के पास क्या क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, CBI के पास में चुनौतियां ये हैं कि जो मुंबई पुलिस ने बिगाड़ दिया है, या जो जैसे कि अभी CBI ने एक आरोप लगाया है मुंबई पुलिस के ऊपर कि जो क्राइम सीन है उसको उन्होंने सहेज कर रखने के लिए उसको बिगाड़ दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। वो पिक्चर आपके सामने आएंगी कि जब क्राइम सीन होता है वहाँ पर बकायदा एक जो है बैरिकेड लगा दिया जाता है, फेंसिंग कर दी जाती है कि दोनों एंटर यहाँ पर एंटर ना करें। लेकिन जब आप सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अंदर जाती हूँ, दिखाई देता है कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में जहाँ की बॉडी पड़ी है इतने सारे पुलिस वाले हैं, उसके अलावा सादे कपड़े और भी लोग हैं, इवन एक लड़का और है जो उनका सामान इकट्ठा कर रहा है, बैग में रख रहा है, इतने सारे लोग वहाँ मौजूद क्यों हैं क्राइम सीन के ऊपर, यानी कि वहां से साक्ष्यों को हटाया गया, डिस्टर्ब किया गया, क्लीन किया गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल था कि क्राइम सीन को डिस्टर्ब कर दिया गया। तो पूरे मामले में ये जो चीज़ें निकल कर आई, इन्होंने लोगों का गुस्सा बढ़ाया और उनके न्याय के लिए चीज़ें उठने लगी और सवाल दर सवाल पूछे जाने लगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ राजनेताओं के नाम निकल के सामने आए। और हम जो बात कर रहे हैं इसमें संजय निरुपम का नाम भी निकल के सामने आ गया, संजय निरुपम की भी नज़दीकियाँ थी संदीप सिंह से। संदीप सिंह लगभग हर राजनेता के साथ में, हर बॉलीवुड स्टार के साथ फोटो खिंचवाता है, साथ में खड़ा होता है, उसके फेसबुक प्रोफाइल पर के ऊपर ये मेंशन है। तो और वही संदीप सिंह जो एकदम अचानक से निकल के प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त हूँ, जबकि उसकी जो कॉल रिकॉर्ड बताती है कि एक साल से उसके टच में नहीं था। तो संदीप सिंह राजपूत कहाँ से आए? ये वही संदीप सिंह राजपूत है जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ एम्बुलेंस में बैठ के जाते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, स्ट्रेचर और ये भी दावा करते हैं कि एम्बुलेंस वाले को वो लगातार कॉल कर रहे थे। और जबकि एम्बुलेंस वाले से जब ये पूछा गया कि क्या आपके पास संदीप सिंह के नाम से कोई कॉल आई थी, तो वो कहते हैं कि हम तो किसी को जानते नहीं है कि मेरे पास संदीप की कॉल आई थी, हमारे पास तो सुशांत के मैनेजर का कॉल आया था और पेमेंट भी जो है मैनेजर ने ही किया। तो यहाँ कहीं ना कहीं संदीप सिंह के बारे में बाकी में अभी भी संदेह जो है लगातार बना हुआ। तो वही है कि पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की। अब जब ये मामला इतना हाई प्रोफाइल बना और 15 करोड़ की गबन की बातचीत आई, सब कुछ आया, इवन उनके जो जिम मैनेजर है उन्होंने जो कहा, मुझे उस दिन पहली बार शक हुआ था साक्षी, जब जिम मैनेजर ने कहा कि सुशांत बदल गए थे वो यूरोप से लौटने के बाद, जब एक्सरसाइज करते थे उनकी बॉडी कांपती थी, वो वीकनेस महसूस कर रहे थे, इस तरह से नहीं कर रहे थे, तो मुझे और जब कहा वो सोते रहते थे, तो मुझे लगा कि अगर जब इस तरह के जो हालात होते हैं वो ड्रग्स में होते हैं कि आपकी बॉडी कांपने लगती है, आपका स्टेमिना खत्म हो जाता है और आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ लगा ऐसा कुछ है, क्योंकि दवाइयों की बात हो रही थी। लेकिन अजय जी, यहाँ पर ये भी बात है, अगर उसको ड्रग्स दिया जाता था सुशांत को, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, क्या उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है कि वो किसी का नशा, क्योंकि अगर आप किसी भी वही तो बात है वही तो बात है तो जांच में आपके निकलेगा कि आपके शरीर में आपके ब्लड में किस चीज का मिलावट, पोस्टमार्टम के अंदर एक साजिश हुई है जिसके अंदर नहीं बताया गया। यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर हम कहते हैं इस बात का खुलासा हो जाता कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी के अंदर ड्रग्स पाए गए हैं, तो जांच की दिशा बदल जाती, वो आज वहीं पहुंचती जहां आज है। तो यानी कि वहां उसको दबाया गया, उसको सिर्फ एक आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई कि डिप्रेशन में थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो करियर खत्म हो चुका था, आत्महत्या कर ली, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि ड्रग्स के मामले में जो बात आ रही है निकलकर कि रिया चक्रवर्ती जो है एक मिस्ट्री गर्ल के टच में थी, जो बकायदा ड्रग्स के बारे में बता रही थी, और उन्होंने कहा था कि यदि आप जो है सुशांत को 4 बूंदे चाय में जूस में दे दोगी तो उसके बाद 30-40 मिनट बाद उसका असर देखना क्या होता है। और रिया ने इसका जवाब भी दिया कि हाँ मैंने ऐसा किया था और इसका असर जो है सुशांत पर मुझे धीरे धीरे दिख रहा है।
तो यानी कि रिया जो है सुशांत को चाय कॉफी में चार चार बूंदे ड्रग्स की दे रही थी, जिसकी वजह से सुशांत जो है अपने करियर की प्रति उदासीन होते चले जा रहे थे, अपनी फैमिली से दूर चले जा रहे थे। उनके घर में यदि कोई पार्टी होती थी, कुछ भी होता था, तो वो सोते रहते थे, यानी कि पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए वहाँ पर जो है उनको ड्रग्स दे दी जाती थी, जिसमें सो जाते थे वो अपने घर में पड़े रहते थे। और उन्होंने सुशांत का सारा पैसा सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया था। तो यहाँ पर जो है सुशांत को धीरे धीरे मारा गया है स्लो पॉइजन की तरह से, यानी कि सुशांत को जो है एक कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि चलो जहाँ तक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं करेंगे, उनके सर्कल का इस्तेमाल करेंगे, उनके लिंक्स का इस्तेमाल करेंगे, उनके पैसे का इस्तेमाल करेंगे, और जब इस्तेमाल खत्म हो जाएगा तो ख़त्म कर देंगे। शायद ये वही हुआ है, तो अभी जाँच में पता चलेगा आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन सवाल यहाँ पर है, जैसे कि रिया चक्रवर्ती जो है एक ड्रग डीलर गौरव के टच में थी, और गौरव के बारे में जिस तरह से बातचीत हुई है, जो व्हाट्सएप चैट पे जो बात कर रही थी, पूछ रही थी कि वो एमडी ड्रग मुझे कैसे मिलेगा, कितना चाहिए, शॉपिंग बार बार पूछ रहे हैं, हमें हमारा स्टाफ वो खत्म हो गया है, एक इवन हाउस हेल्प के रूप में जो वहाँ काम कर रहा था वो पूछ रहा है कि वो क्या हम शॉपिंग से ले लें, वो माल खत्म हो गया है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बातें हैं, और ये सारी व्हाट्सएप डिलीट चैट में डिलीट कर दी गई थी, लेकिन जो है सीबीआई ने और ईडी ने उनको वापस रिट्रीव कर लिया और वो मिल गई है। वो किस तरह की बातचीत वहाँ हुई थी, तो जो ये लोग समझ रहे थे कि शायद व्हाट्सएप की चैट जो है सेफ है, उसको कोई नहीं ले सकता है, वो निकल के बाहर आ गई है। अब ये समझ में आएगा, और जो उन्होंने ड्रग के बारे में पूछा है, एमडी सबसे ज़्यादा ड्रग चलता है बॉलीवुड के अंदर, और वो बहुत बड़ा है। और ये जो इसके अंदर जो लिंक्स निकल कर आए हैं साक्षी, वो मुंबई से लेकर दुबई तक के लिंक्स निकले हैं, इतना बड़ा रैकेट है इसके अंदर, वो सब कुछ है। तो वो अब निकल कर आएगा, और अब जो इसी वजह से नारकोटिक डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो रिया का ब्लड सैंपल लेगी, उसकी जांच पड़ताल होगी कि उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल करती थी या नहीं करती थी, वो यदि करती भी थी तब भी फंसेंगी, नहीं करती थी तब भी फंसेंगी, क्योंकि उन्होंने पूरा चीज़ों को मैनेज किया है। अब रही बात दिशा सालियन की, दिशा सालियन क्या जानती थी या क्या हुआ था उनका, उनकी किस तरीके से उनकी हत्या हुई या उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन उसको लेकर जो है सुशांत सिंह राजपूत बहुत बेचैन थे, और उसको लेकर प्रेस मीडिया में जाने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, और शायद यही रीज़न है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, जो अभी उम्मीद दिखाई बताई, क्योंकि शक वही है, शक वही है, क्योंकि जिस तरह की जो सिम्टम्स बता रहे हैं, और पुलिस ने जो है किसको बचाने के लिए किया, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम निकल के सामने आए हैं जो उन पार्टीज में जाते थे, इनसे उठना बैठना था, तो अब सारी चीज़ें खंगाली जाएंगी कि रिया कहाँ कहाँ गई, कौन से शॉपिंग मॉल में गई, किससे मिली, कौन दोस्त हैं, कौन से होटल में जाकर ठहरी, कौन सी जगह शूटिंग पे गई, तो वो सब कुछ खंगाला जाएगा, चाहे वो उसको पता चलेगा कि आखिरकार ये ड्रग्स का खेल और ये जो पैसे का खेल है ये कहाँ तक फैला हुआ है, और सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है क्यों हुई है, या फिर उन्होंने अगर सुसाइड भी किया मान लेते हैं तो उसकी क्या वजह है, क्या वजह थी कि सुशांत सिंह राजपूत को इसलिए उकसाया गया था या बाकी में वो डिप्रेस थे, और डिप्रेशन की क्या वजह थी, क्या रिया किसी तरीके से उनको टॉर्चर किया करती थी जिसकी वजह से वो डिप्रेस, सुशांत सिंह राजपूत दो तीन बार रोए हैं जैसा कि निकल कर आ रहा है रिया की वजह से, और जो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जब डेड बॉडी ले जाई जा रही थी उनके घुटने मुड़े हुए थे, उनके जो गर्दन पे जो निशान थे वो ऐसा लग रहा है कि बेल्ट से दबा के मारा गया है। तो ये जो चीजें हैं ये जांच का वो सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी आने वाले कुछ समय में दिखाई देगा कि मैं सोचता हूँ मंडे तक बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो सवाल आपस में हुए हैं, इंटरोगेशन हुआ है, और ये तीनों जो दोस्त हैं शौविक हैं या संदीप हैं सिद्धार्थ हैं, ये एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, है ना। तो सीबीआई की तरफ से देखिए अजय जी, ये भी बात सामने आ रही है कि जब वो इनके बयानों को मैच कर रही है, चाहे वो नीरज हो, सिद्धार्थ पठानी हो या केशव हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है केशव, ये भी उस वक्त मौजूद था जब ये घटना हुई। केशव का हालांकि ये कहना है कि हम लोग जो है बटे हुए बैठे हुए थे, कोई ऊपर के फ्लोर पे था, कोई नीचे के फ्लोर पे था, इस वजह से बयान जो है हमारे बदले हुए। लेकिन सीबीआई का कहना है कि लगातार इन लोगों के बयान में जिस तरह से जो है फर्क देखा जा रहा है, इसको लेकर के शक जो है और गहराता जा रहा है। अब इसको लेकर के सीबीआई जो है इसीलिए पिछले 6 दिनों से वो लगातार इन सबसे पूछताछ कर रही है, और बार बार ये सवाल उठ रहा है कि सिद्धार्थ पठानी से आके इतनी लंबी पूछताछ हो क्यों रही है, क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ पठानी वो शख्स है जो बहुत ही करीबी थे सुशांत सिंह के, बहुत कुछ वो जो है अपने अंदर दबा करके बैठे हुए, बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो उन्होंने अपने तक छिपाई हुई हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि 8 जून जिस दिन रिया सुशांत के घर से गई, उस दिन की अगर घटना की बात करें तो सिद्धार्थ पठानी का कहना है कि उस दिन 6 हार्ड डिस्क को जो है सुशांत खुद उन्होंने जो है उसको नष्ट करवाया था, अब बकायदा IT सेल को घर पे बुलवा करके, उस वक्त रिया वहां पर मौजूद थी।
उस जो हार्ड डिस्क है उसको नष्ट करने के बाद रिया और सुशांत के बीच जो है जम करके झगड़ा हुआ, जिसके बाद रिया जो है घर छोड़ करके गई। देखिए अजय जी, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक शख्स पैदा होता है कि क्या वाकई में सुशांत ने खुद उस हार्ड डिस्क को नष्ट कराया या रिया का कोई दबाव था, या ये जो पूरी घटना है वो किस तरफ लेकर के जा रही है, रिया जो है आखिर करना क्या चाहती थी? मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ऐसे एविडेंस रहे होंगे जिसके अंदर जो है या तो सुशांत को अपने करियर की चिंता रही होगी, या सुशांत को अपने फंसने की चिंता रही होगी, या कुछ ऐसा रहा होगा जिसने उसका सुशांत ने सोचा हो कि ये खत्म हो जाए तो शायद मैं बच जाऊंगा और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसी दरमियान जो है दिशा सालियान की भी डेथ होती है और शायद वो उस वक्त व्यथित थे, चिंतित थे कि अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो आखिरकार उनकी जो डेथ हुई है वो क्यों हुई है? अगर हम कहें कि अगर हार्ड डिस्क नष्ट करवा दी, सबूत मिटाने की कोशिश की गई, या और हार्ड डिस्क खत्म हो करवाने के बाद ही जो है सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म कर दिया गया, यदि वो हार्ड डिस्क पुलिस को या सीबीआई को मिलती वहाँ पर तो शायद बहुत सारे खुलासे होते। तो सुशांत सिंह राजपूत के घर से हार्ड डिस्क खत्म करके सबूत नष्ट कर दिए, और मैं ये समझता हूँ कि वो सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं, दिशा रिया चक्रवर्ती ने ख़त्म किए हैं, शौविक ने ख़त्म किए हैं, बाकी इन सब लोगों ने मिलकर ख़त्म किए हैं। लेकिन इनको ख़त्म करने के बाद इन्होंने सोच लिया होगा कि जब ये सबूत खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म, तब हम जो है सुशांत सिंह राजपूत को एक्सीडेंटली मार देंगे, दिखा देंगे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि सबूत कुछ मिलेगा नहीं, पुलिस से घूमती रह जाएगी, हमारी पहुँच ऊपर तक है और पुलिस जो है इंक्वायरी होने नहीं देगी और बाहर से कुछ ऐसा हो नहीं पाएगा। वही हमने देखा कि मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी जो है खानापूर्ति के नाम पे की, ना तो सही ढंग से बताया, ना जान ना ऐसा कुछ किया, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हम बात कर लें, चाहे हम पुलिस की इंक्वायरी की बात कर लें, जिस तरह से पुलिस ने इंक्वायरी की, ऐसे पुलिस ने इंक्वायरी की जैसे नौसिखिया करता है कोई, तो ये अपने आप में, और जिसको सीबीआई ने जो है लापरवाही नाम दिया कि लापरवाही है वो, तो ऐसी लापरवाहियों की उम्मीद नहीं करते हैं लोग कि पुलिस जो है इस पुलिस से, तो ये अपने आप में शक के दायरे में खड़ा करता है। और इतने सारे लोग के नाम वहाँ इन्वॉल्व हैं तो बहुत हाई प्रोफाइल मामला हो गया। तो और मैं समझता हूँ कि यदि ये मीडिया इसके अंदर सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा होता, नहीं सवाल खड़े कर रहा होता, तो शायद इस तरह की जांच आगे नहीं पहुँचती। और जो लोग उसके जो सुशांत सिंह राजपूत करोड़ों अरबों फैंस हैं जिन्होंने प्रार्थनाएं की और डिमांड की कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई जांच तो हो रही है, लेकिन आज हम यहां पहुंचे। लेकिन सवाल वही है, आखिरकार सुशांत की डेथ हुई कैसे? उसको मारा गया या उसने खुद ही सुसाइड कर लिया, ये भी उसके ऊपर वो है, क्योंकि वो जो कपड़ा है उसके ऊपर भी सवाल है कि आखिरकार वो जो है किस तरीके से वो कपड़े का इस्तेमाल किया गया है सुसाइड करने के लिए, ये बहुत कुछ सवाल है जो पता चलेगा। चाबी वाले से भी कहा गया कि भाई ठीक है, जिसमें एक सवाल निकल कर आ रहा है कि यदि सिद्धार्थ पठानी कह रहे थे कि यदि फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे कि यदि उसकी आवाज़ आ रही है ऐसा कुछ हो तो उसको जो है अगर ना मरा हो तो उसको हॉस्पिटल ले जाना, अदरवाइज को वहीं छोड़ देना। तो इतनी सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, तो आखिरकार सच है क्या? बिल्कुल, देखिए सीबीआई जो है आज सातवां दिन है जब वो पूछताछ कर रही है और वाकई में इस केस को लेकर के जो है लगातार उठापो जो है बनी हुई है सीबीआई की तरफ से। अब रिया को क्या वाकई में समन भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, इस पर एक बड़ा सवाल जो है बना हुआ है। लेकिन समन भेजा जा रहा है, जाएगा कल समन भेजा जाएगा रिया चक्रवर्ती के पास में, उसके बाद उनके कुछ ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे, वो जांच होगी। मैं समझता हूँ मंडे या ट्यूसडे तक बहुत सारी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाएगी आखिरकार इस केस में है क्या, लेकिन 99% ये हत्या का मामला है। चलिए, तो जो है सीबीआई जांच कर ही रही है और जैसा कि अजय जी भी कह रहे हैं कि बस कुछ ही दिन का इंतजार है जब हम ये उम्मीद करते हैं कि सुशांत को जो है इंसाफ जरूर मिलेगा। फिलहाल के लिए अजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि वाकई ये घटना जो है, ये जो पूरा केस रहा है वो क्या रुख ले रहा है और कहाँ जो है जाकर के ये खत्म होने वाला है। सीबीआई जो है अब कह सकते हैं कि जांच के जो है बहुत करीब है, बहुत सारी चीजें जानकारियां जो है सीबीआई ने इकट्ठी कर ली है, सवालों की फहरिस्त जो है रिया के लिए सीबीआई ने तैयार कर ली है। अब उन सवालों का जवाब रिया किस तरह से देती है और क्या रिया की गिरफ्तारी होती है और होती है तो कब होती है, इसी का इंतजार देश कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए एबीसी स्टार न्यूज़।